चलिए अपने एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है सुरजीत नंदी, जो कि चंदन नगर वेस्ट बंगाल से हैं, जिनकी ऑल इंडिया 155 रैंक है और इन्होंने इस साल एनआईटी इलाहाबाद इनको अलॉट हुआ है, इन्होंने एनआईटी इलाहाबाद को लॉक भी कर दिया है। तो सुरजीत, सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप और आपके और प्रतीक सर के बिना और पूरी इम्पीटस के टीम के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा इम्पीटस से पढ़ने का। मतलब पहले मैंने एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, मतलब मैं एचएस के दौरान, पर ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहली बार मिला है आपके यहाँ का इम्पीटस का। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैं सुरजीत के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वेट नहीं करते या समय नहीं देते। सुरजीत ने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कुछ कंडीशन घर की ऐसी थी कि 2018 से 19 तक तो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया। फिर 2019 से फिर से अपने आप को माइंड सेट किया, फिर प्रिपरेशन की और पूरा 1 ईयर बहुत डेडिकेशन और मेहनत के साथ प्रिपरेशन की और आज उसका रिजल्ट सामने है। तो सुरजीत, मैं जानना चाहूंगा, मतलब आपकी लाइफ का, क्योंकि आपने काफी टफ टाइम भी देखा, फिर अपनी पूरी जर्नी पढ़ाई स्टार्ट की, तो आपकी लाइफ का या सक्सेस जर्नी की स्टोरी क्या है? क्योंकि हर बच्चा जो होता है, सबकी लाइफ की अलग अलग स्टोरी होती है। मैंने इतने सारे सेशन डाले हैं और मैं हमेशा, ये सेशन का पर्पज भी है कि कोई बच्चा जब ये सुने तो कोई ना कोई अपने आप को किसी ना किसी स्टोरी से जब रिलेट करता है तो वो चीज उसको कहीं ट्रिगर करती है और वो उसको आगे ले जाती है। तो मैं जानना चाहूंगा आपके शब्दों में कि आपने ये जो 2018 से लेके 20 तक की लड़ाई काफी लंबी थी और काफी परिस्थितियां अलग अलग रही हैं, तो उसको कैसे फेस किया, टफ समय को भी देखा, फिर 1 साल पूरी पढ़ाई की और अपना आपने रिजल्ट दिया। तो पहले मेरा तो बीएससी मैथ ऑनर्स था, तो ग्रेजुएशन में तो मतलब मुझे थर्ड ईयर तक पता भी नहीं था, मतलब एग्जाम के कुछ महीने पहले तक, कि निमसेट नाम का भी कोई एग्जाम है, कि एमसीए ऐसा होता है। तो मतलब 3 महीने पहले, फाइनल एग्जाम के मेरे 3 महीने पहले मुझे पता चला कि ऐसा एमसीए होता है। मैंने अपने कंप्यूटर जो टीचर था मेरे कॉलेज में जो पढ़ाते थे, तो उनसे भी बात की, तो हाँ उन्होंने भी बोला हाँ अच्छा एग्जाम है। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से एमसीए किया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि हाँ एक अच्छा नीमसेट एग्जाम होता है। तो एक और प्रॉब्लम थी कि तब मेरे पास ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में मेरा मार्क्स थोड़ा डाउन आ गया था, तो मैंने नीमसेट का जो ब्रोचर था वहां पे देखा कि 60% मांगता है। तो मेरे पास पॉसिबल नहीं था कि 3 महीने में कॉलेज भी मैनेज करूँ और फिर नीमसेट भी मैनेज करूँ। तो मेरे पास कोई एक ऑप्शन था उस वक्त, तो मैंने 60% को रखना सही समझा, क्योंकि वहां पे नहीं होता तो मेरा कुछ भी नहीं होता आगे। तो मैंने फिर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद माइंड सेट किया कि नहीं चलो ठीक है अभी यहाँ पे पढ़ना है। तो फिर मेरे कंडीशंस घर की कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, तो नहीं कर पाया उस वक्त। तो फिर एक एक साल बाद करीब 2019 का पेपर मैंने दिया हुआ था। मतलब एक अलग ही लेवल का थोड़ा आया था, टफ नहीं बट डिफरेंट लेवल का आया था, जो 18 में आया था उससे तो कहीं अलग थोड़ा। तो फिर 2019 में जब दिया तो फिर लगा कि अब नहीं चलो ठीक है, 1 साल तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हुई, तो एक बार क्यों ना पढ़ के अच्छे से दिया जाए। तो यही माइंडसेट था कि एक पढ़ के दिया जाए। तो फिर मैंने सर्च किया कि कहाँ पे कोई अच्छा कोचिंग सेंटर मिलता है, कि क्या मिलता है। तो पहले मुझे 1-2 महीने तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं चंदनगर या कोलकाता से कभी बाहर नहीं गया, तो मुझे आइडिया नहीं था कि बाहर का कैसा क्या इंस्टीट्यूट है, और जाके पढ़ने का ऐसा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम भी था घर पे। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया कहीं पे अगर कोई ऑनलाइन कोर्स है तो वहां से ज्वाइन कर सकता हूँ कि। तो मैंने सर्च किया तो आपका वीडियो आया, तो आपका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही यूनिक था, वो भी पसंद आया। और प्रतीक सर ने 2018 का कंप्यूटर सॉल्यूशन का भी शायद 1-2 वीडियो डाला था, तो वो भी मैंने देखा, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं चलो अच्छा ही लग रहा है, तो क्यों ना ज्वाइन किया जाए। तो फिर आपके कोर्सेस से मैं जुड़ गया और मैंने सितंबर को कोर्स ज्वाइन किया था 2019 में। तो फिर उसके बाद मतलब आपने जो मोटिवेट किया, तो आपका एक और वीडियो था यूट्यूब में कि ईयर ड्रॉप से एनआईटी में कोई ऐसा दिक्कत ज्यादा नहीं जाता, वो भी एक दिमाग में था कि जो ईयर 2 ईयर ड्रॉप हो गया तो क्या होगा आगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो फिर आपके वीडियोस ने बहुत ही मोटिवेट किया, और फिर रेगुलर क्लासेस से तो मैं पेन ड्राइव के थ्रू, और फिर आपके तो लाइव क्लासेस से जुड़ गया। तो मतलब मेरी एक कंटिन्यूएशन बन गई, और इस पैंडमिक के दौर में भी मतलब आप या प्रतीक सर ये दोनों थे, इसलिए मैं पूरा टिका रह पाया, नहीं तो
मैं शायद नहीं कर पाता इतना कुछ। और एक और बात बोलूंगा कि पहले मैं जब 2019 या ऐसा में जब मैंने नीमसेट का एग्जाम दिया था तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक है मेरा मैथ है तो मैं कर लूंगा एग्जाम क्रैक कर लूंगा क्योंकि बेस तो पूरा मैथ में ही आता है। तो पर जब मैंने देखा ना तो मतलब वो क्वेश्चन मुझे एक दो तो हल हो रहा है पर पूरे जो होते हैं ना पूरे एकदम कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो फिर आपके जब कोर्सेज से जुड़ा तो वो शॉर्ट ट्रिक सब ये पता चला और बहुत सारे डिफरेंस भी पता चली। सबसे मेजर डिफरेंस जो पता चली कि मैं अब तक क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव वे में हैंडल करना आता था, ऑब्जेक्टिव वे में नहीं आता क्योंकि मैंने ऐसा कोई जेई भी नहीं दिया हुआ है मैंने मतलब वो नहीं आता था। तो बस ऐसा ही और आपके और प्रतीक सर के मोटिवेशन से मैं बना रहा और आखिरकार बस ये आ गया। देखो कितनी अच्छी बातें बताई सुरजीत ने। एक तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि सही समय पर सही डिसीजन लेना। जैसे आपको लगा कि 3 महीने का समय कम है और ग्रेजुएशन में परसेंट नहीं बने तो दिक्कत जाएगी, बहुत अच्छा डिसीजन था उस समय का क्योंकि ग्रेजुएशन में 60% केवल निमसेट के लिए नहीं आगे भी बहुत काम आते हैं। क्या होता है कि हमारे 60% है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो आपका उस समय का वो डिसीजन बिल्कुल सही था कि नहीं मैं पहले ग्रेजुएशन में ध्यान दूं। मैं भी उन बच्चों को जिनका ग्रेजुएशन पे परसेंटेज अच्छा नहीं है परफॉर्म नहीं कर पा रहे यही सलाह देता हूँ। फिर एक साल क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी नहीं पढ़ पाए पर आपने फिर से रिस्टार्ट किया, प्रॉपर मैनर से पढ़ाई की। जैसे आपने बोला आपने कहीं वहां ज्वाइन भी किया पर मजा नहीं आया फिर इमीडिएटली डिसीजन लिया। कई बार बच्चे ऐसा भी होता है कहीं पढ़ लेते हैं ज्वाइन कर लेते हैं फिर उन्हें लगता है अब कर तो लिया चलने दे, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि क्या होता है जब तक आपको वो लेवल वो चीज ना मिल रही जो आपको रिक्वायर्ड है। जैसे अभी सबसे अच्छी बात बोली कि मैथ्स के क्वेश्चन पहले अलग ढंग से करते थे पढ़ने के बाद अलग ढंग से, छोटी छोटी बातें जो बच्चे को समय रहते हुए समझ में आना चाहिए। तो ये एक अच्छा डिसीजन था आपका कि समय रहते हुए आपने इस चीज पे एक्शन लिया इमीडिएटली चेंज किया और देखो आज आपका पास उसका एक रिजल्ट है। और 2 साल के ड्रॉप के बाद भी नहीं घबराए ये भी कितनी खुशी की बात है। मतलब कई लोग क्या होता है एक ड्रॉप लेने से भी डरते हैं, आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर 2 ड्रॉप लिए और बकायदा इस साल सिलेक्ट हुए और एक अच्छी रैंक के साथ आपको NIT इलाहाबाद मिला, ये कितनी खुशी की बात है। घर में बहुत सब खुश है कि चलो अच्छा है ये 2 साल की मेहनत है 1 साल की मेहनत बर्बाद नहीं गई कम से कम। हाँ एक्चुअल में लोग इसे बोलते हैं साल खराब करना, मैं इसे बोलता हूँ इन्वेस्ट करना। तो आपने ये 2 साल खराब नहीं करे एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किए और ये इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट ये सर डायलॉग आप ही से लिया हुआ है मैंने अभी। मतलब कोई जब बोलता है कि मतलब तुमने एक ईयर ड्रॉप लिया तो मैं बोलता हूँ उसे नहीं मैं अपना ईयर इन्वेस्ट कर रहा हूँ ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। यस यस ये इन्वेस्टमेंट है लाइफ का और इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट लॉन्ग टर्म होते हैं पर वो अच्छे होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खतरनाक होता है। ये बहुत अच्छी बात है सुरजीत। अच्छा सुरजीत आप जिस जगह से हो बेसिकली चंदन नगर से और वेस्ट बंगाल में, वहां पर आपको क्या लगता है मतलब जो बच्चे होते हैं उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और वो किस तरह से सोचते हैं? क्योंकि मैंने देखा थोड़ा MCA को लेकर अवेयरनेस कम है तो उस पर आपका क्या व्यू है, क्या सोचते हैं आप? एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मतलब पता भी नहीं है कि BSc के बाद MSc के अलावा भी एक MCA होता है। हाँ. तो मतलब वो एक लेवल बना हुआ है कि BSc MSc PhD ऐसा एक लेवल बना हुआ कि यहाँ नहीं एक भी बहुत अच्छा लाइन है कि यहाँ पे NITs के थ्रू जा सकते हो, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। या तो ये है और या तो फिर है कोई गवर्नमेंट जॉब्स ज्वाइन कर लो, ऐसा ही कुछ एक मतलब एक स्ट्रेट वे है। हाँ, एक वो माइंडसेट है बच्चों का। हाँ। तो मतलब मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ तो मतलब बहुत दिक्कत होता है कि चार पास आसपास के लोग कुछ और बोल रहे हैं, खुद को उस एनवायरमेंट में अपने आप को स्ट्रांग रखना वो सब एक अलग काफी बड़ा टास्क होता है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा इसलिए क्योंकि मैं इतने बच्चों के इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैंने देखा कुछ जगह लोगों का माइंडसेट है, जैसे आपने अच्छा बोला BSc MSc PhD और कहीं स्कूल या कॉलेज में टीचिंग में चले जाए या रिसर्च में, तो वो माइंडसेट को बदलना या माइंडसेट से हटते हैं तो लोगों को जरा आश्चर्य होता है कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो वो मैं ये बात इसलिए छेड़ना चाहता हूँ क्योंकि जब ये मैसेज या ये वीडियो मान लो आपके जैसे रिमोट एरिया में या ऐसी जगह के बच्चे देखें तो वो अपने माइंडसेट को चेंज करें और वो करें जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल या सूटेबल हो। तो मैं ये जानना चाहूंगा, बहुत अच्छी बातें बताई सुरजीत आपने, आप अपने जूनियर्स को या जो बच्चे ड्रॉप लेने से डरते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज एक ही होगा कि ड्रॉप लेने से मतलब डरना नहीं चाहिए। सर ने जैसे बोला कि ये आपका एक इन्वेस्टमेंट ईयर है तो अगर मतलब वो ड्रॉप ईयर में अगर आप में आपको 100% दे दोगे तो मतलब
सिलेक्शन होना ही, ऐसा कोई मतलब कारण नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सके, मैं बस यही बोलना चाहूंगा। और एक और बात होता है कि मतलब कुछ ऐसे केसेस आते हैं, मैंने एक दो मेरे दोस्त है उन्होंने उनको भी देखा हुआ है कि कहीं जब ये ऑनलाइन कोर्सेस है ना, तो ये ऑनलाइन कोर्स को लेने से भी डरते हैं कभी, तो ये मतलब कोई मतलब सही डिसीजन नहीं, एक बार लेके देखना चाहिए एक बार कम से कम। आपके यहाँ पे तो और भी अच्छा है कि आप रिव्यूज देते हैं, तो मतलब पता चल जाता है कि नहीं एक बार कैसा लेक्चर है एक देख लेते हैं, तो ये एक होता है कभी कभी। तो मतलब सुजीत काफी अच्छी बात बोली आपने, मैंने ये प्रॉब्लम काफी फेस की, अब तो नहीं करता। लोग पहले डरते थे ऑनलाइन कोर्स लेने में, और एक्चुअल में क्या होता है कई बार कुछ ऑनलाइन कोर्स हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस कुछ लाइफ में अलग रहा हो, इम्पिटस थोड़ा अलग है। जब मैं बच्चों से बोलता हूँ ना, कई लोग, अब तो खैर वो दिक्कत खत्म हो गई, पर जब स्टार्ट किया था तो कई लोगों को लगता था पता नहीं फर्स्ट तो नहीं जाएंगे, ये तो नहीं होगा। पर जैसे जैसे पहले पेनड्राइव कोर्स हुआ, फिर लाइव हुआ, धीरे धीरे बच्चों ने देखा कि लाइव में एक दो नहीं 500 क्लासेस हैं, तो ये कैसे हो रही है, तो एक भरोसा, एक ट्रस्ट आया। आज इतना अच्छा रिजल्ट आया तो और ट्रस्ट बढ़ गया। पर ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी कि ऑनलाइन में कई लोगों के मन में अंदर एक डर होता है, पर इम्पिटस के साथ ये अच्छा है कि मैं तो बोलता हूँ ऑनलाइन के बाद क्लासरूम में भी स्विच होना तो हो सकते हो, क्लासरूम को ही हम ऑन एयर कर देते हैं, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। और काफी अच्छा मैसेज दिया आपने ये, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे भी कई बार बात करते, पेरेंट्स को कई बार डर लगता है ऐसा तो नहीं ऑनलाइन क्लास होगी तो पूरी चलेंगी नहीं चलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ सर यही मतलब, हाँ एक इम्पिटस का एक्सपीरियंस ही मतलब अलग था। मैं जब घर पे बैठ के मतलब आपका जो लाइव क्लास है वो जब करता था, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं हाँ कहीं बहुत दूर वेस्ट बंगाल वहां भोपाल पे, मुझे लगता है कि जैसे मैं क्लास में हूँ और मेरे आसपास सब बच्चे बैठे हुए हैं, तो मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस। हाँ वही मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ऐसा फील हो कि वो घर में नहीं क्लासरूम में बैठे हैं। हाँ तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी एक कोचिंग क्लास ज्वाइन किया हुआ है एचएस के दौरान, थोड़ा वो एचएस के टाइम पे 12th के, तो मतलब वो फील ही नहीं था उसमें जो यहाँ पे इम्पिटस में है। नहीं बिल्कुल सही बात है सुजीत, इवन कई बच्चे जब ज्वाइन करते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी मिले मुझे जो कहीं फिजिकली पढ़ चुके हैं, उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने खुद उनका फीडबैक है कि सर हम फिजिकल क्लासेस में वो चीज नहीं मिल पाई हमको जो ये इम्पिटस गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेस में मिलती है। तो ये बच्चों के ही एक्सपीरियंस है और आपका भी यही एक्सपीरियंस है आई थिंक। हाँ बिल्कुल सर। चलो बहुत अच्छी बात है सुरजीत, बहुत अच्छी रैंक आई आपकी, अब आपको एनआईटी अलावा जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और क्योंकि अभी ड्यू टू कोविड सिचुएशन ऐसी है तो हो सकता है कॉलेज ओपन ही ना हो, तो पहला सेमेस्टर हो सकता है घर रहते हुए आप दो, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, अपने सेमेस्टर्स की पढ़ाई करो और बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।